संत राजेंद्र गिरी जी और हमारे सारा सर्किट पूजनीय रविशंकर जी, डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह जी जो डायरेक्टर है भी, और मेरे छोटे भाई जो गौशाला के उपाध्यक्ष हैं, और सम्मानित मंच भाइयों, आप सारे को मेरा प्रणाम। गोवंश के सेवकों को मैं प्रणाम करता हूं। और आपने मैंने देखा आपके गौशाला में बहुत बढ़िया है, पशुओं का इलाज भी के लिए बीकानेर डिवीजन में मैंने देखा कोई ऐसा सेवक नहीं है। आयु अब कोई काम होता है उसमें कमी रह जाती है। हिंदुस्तान में आज मैं कहता हूं, राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस सरकार कर रही है या किए है, आज गौशालों का हिंदुस्तान में इतना अनुदान कहीं नहीं। आप ही देख लो, और सरकारें बनती थी, कांग्रेस की बनती थी और बीजेपी की बनती, कभी एक महीने का कभी दो महीने का मैं देखता था अनुदान मिलता था। अभी अशोक गहलोत जी ने पहले 6 महीने दिया, अब 9 महीने कर दिया, जिसमें नंदी को 12 महीने साल में पूरा कर दिया, जो अपन पशु है कोई भी उसको 12 महीने का मिलेगा अनुदान। एक चीज और है, ये अपने अकाल में झूलते रहते हैं, अकाल में दर्द जी नहीं आते हैं। अब की बात बैठकर पूरे राजस्थान के 33 के 33 जिले ले लिए। और पहले ये होता था कि इस गांव में तो अकाल है उसमें नहीं है, वो भी परंपरा तोड़ दी। पूरे कोई जिले तहसील के जो भी गांव होंगे सबको सबको अकाल में लिया जाएगा। सरकार गौशालाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी मैंने सुना गौशाला यहाँ बहुत बढ़िया है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनको वो 1 लाख पंचायत को देना पड़ता है चेक, और आपको सरकार 10 लाख का चेक देती है। लेकिन मैंने पूछा भी इस गौशाला के अभी अप्लाई करेंगे, जब एक तरफ तो सरकार देती है उसको लेने के लिए आप तत्पर। मेरे मार्केट की बात बता दू, 150 गौशालाएं पात्र थी जिसमें 50 ने अप्लाई किया, 2 का रिजेक्ट हो गया, 48 में कहा तो 150। अभी 10 लाख रुपए घर बैठे आ रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखवा दी, सारा कुछ करवा दिया अधिकारियों से, वही एप्लीकेशन लेके नहीं आ रहा। अभी इसमें कह दो सरकार का हमारे को घर बैठे एप्लीकेशन तो आपको ही लगानी पड़ेगी, हर कोई जिले में लगानी है जयपुर जाके लगानी। कांग्रेस पार्टी आपके लिए गौशालाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अब देखो इतना बड़ा काम होता है उसमें कई कमियां रह जाती है तो उनमें सुधार हो जाएगा। मैंने तो आज नई परंपरा देखी, एक तो आप साफे पे ना के विदाई की बात कर रहे हो, दूसरी बात आपने जड़ी लगा दी है काम की। आप प्रार्थना करो डायरेक्टर साहब का 1 साल बढ़ जाए, तारीख सारी में पहुंची। अरे मैं सारा सर होंदा जाना बाबा रिक्वेस्ट करेगा, और बाबा तारी सारा के पास में हो थाने कोई साल 1.5 साल बाद में दोबारा सब बनाना हो। क्या बात है, काम मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद बता दूं लाल जी डॉक्टर साहब का जैसा डायरेक्टर इस मिलते आएंगे, कोई कमी नहीं होती, कोई कुर्सी खाली रहती नहीं है, चलती रहती है। लेकिन वो पालक थे उनको ये स्टे मेरे में तो भी वास्ता पड़ा है, 4-5 महीने हुआ है, लेकिन सुनते हैं करते हैं सारा कुछ हो रहा है। अभी हमारे विचाराधीन है, कलेक्टर को हम चिट्ठी लिख रहे हैं, जो हमारा पशु शहरों में घूम रहे हैं इनको कहीं कहीं गौशाला में एडजस्ट करें, नहीं उनकी वो मान्यता है वो रद्द करें। अभी हो जाए तो अभी हुआ नहीं है, अभी मैं कहता हूँ ऐसे क्यों
कैंसिल भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि सारे सुधार करने की अब सरकार के मन में है, कोई सरकार आपके खिलाफ नहीं है। हर तरीके से देखो, हर गांव उनका पाल में आ गया, नहीं तो जिले आते थे। सारा कुछ आपको देखकर सोचकर ये कहने आते, कभी पूरा राजस्थान आया था क्या प्रांत में? मेरे को बता दो, बहुत राज्य है, बहुत गौशाला है बड़ी कोर की, किसी ने नौ मास का उन्होंने दिया है ना अनुदान? मैंने पता है, मैंने पता जी नहीं, हिंदुस्तान में मुकाबले में कहीं नहीं है। मेरे को आप एक चीज बताओ, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, अरिंड में सब जाते हैं इन गांवों में, किसी की रिश्तेदारी और है उनको पूछ लेना अनुदान कितना मिलता है। इसलिए ये नहीं है कि हमारे मन में नहीं, गौशाला गौ माता एक बहुत ही बड़ा पवित्र पशु है, जिसके कारण आज गौओं के द्वारा गौओं का घी ढूंढते फिर रहे हैं मिलता नहीं है, गौओं का दूध ढूंढते फिर रहे नहीं मिल रहा है। क्यों? कि अभी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके उसके हिसाब से दूध नहीं बढ़ रहा है। तब मैं आज आपके बीच में आके बहुत गदगद हो गया। मैंने जब गौशाला में देखा ऑपरेशन थिएटर दवाई और उसके गायन और पशुओं का, आज इतने पशु ठीक हुए, मैं कह रहा हूँ मैंने तो अभी तक जहां भी गया हूँ मैंने इतने तक सेंटर नहीं देखा। दानदाताओं की कमी नहीं है आपके, दानदाता की कमी भी नहीं है, दानदाता देते भी हैं। मैं उन दानदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जो जो डॉक्टर है तो मैं कह रहा हूं वो डॉक्टर इतने बढ़िया डॉक्टर मिले आपको कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। अरे गांव के अंदर रह रहे, आज पढ़ लिख लेता नौकरी लग लेता तो सीधे शहर में जाने की कोशिश करता है। आप देखो दिखा उनके भी गवों की कितनी इच्छा है। और हमारे पुजारी जी बेटे, मैं रोज मेरे को मैसेज आ जाता है, फिर मैं रोज को देखता हूँ, कभी तरबूज बुलवाते हैं, कभी घास खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते रहते हैं बालाजी का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कोई गौशाला है आपके, और सब ठीक होगा। आप तो ध्यान रखो और कांग्रेस का ध्यान रखो, मैं तो यही कहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद माननीय बिश्नोई साहब। हम सभी गौशाला संचालक गदगद हैं इस बात से कि आपने बातों ही बातों में ये बता दिया कि ये डॉक्टर लाल सिंह जी का सम्मान है वो एक साल बाद फिर होने जा रहा है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यकाल चाहूँगा कि वो मंचस्थ अतिथियों को एक फोल्डर का विमोचन किया जाना है के लिए। तो जो तकलीफ हुई तकलीफ समझी और राजेंद्र गौशाला के अंदर चारागाह विकास की योजना शुरू करी है। चारागाह विकास के अंदर में जो है वो करीब 33,000 हेक्टेयर जो है घास की पोत लगाई है और साथ ही करीब करीब 1400 का करीब पेड़ को जो है वो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। तो मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद चाहिए। आप सभी गौशाला संचालकों को अपनी सीट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा।